मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज नवरात्रि का चौथा दिन, आज माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है, तो आज हम माता कुष्मांडा के बारे में ही जानेंगे। पिछले वीडियो पर आपने जो प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। आज हम माता कुष्मांडा के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है। अगर आप नाम को ध्यान से देखें तो कु का मतलब छोटा और उष्मा का मतलब ऊर्जा या फिर हीट और अंडा यानी कि एक। माँ का यह स्वरूप कॉस्मिक एक का स्वरूप है। ऐसी मान्यता भी है कि जब कुछ भी नहीं था तब माँ ने इसी स्वरूप में ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए माँ के स्वरूप की तुलना हम गर्भवती महिला से कर सकते हैं। जैसे माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को रचा, वैसे ही गर्भवती महिला भी एक नए जीवन को जीवन देती है। इस रूप में माँ के हाथ में मटका भी है और माना जाता है कि उसमें शहद या फिर अमृत है। हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारी कथाओं में सिंबॉलिक रूप से आपको देखने को मिलेगा कि मटके से शिशु उत्पन्न होते हुए दिखाए गए हैं। इसलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए माँ के स्वरूप को हम एक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और शक्ति के सिंबल की तरह देख सकते हैं, जो एक नए जीवन को जन्म देने वाली है। अब हम जानेंगे माता कुष्मांडा की कहानी। माता कुष्मांडा के 8 हाथ हैं और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिद्धियां और निर्धियां प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जपमाला में स्थित है। सूर्य जगत को जीवन देता है और देवी कुष्मांडा स्वयं सूर्य की शक्ति है। जब वह सूर्य देव के मूल में निवास करती है तो सभी ऊर्जा का स्रोत होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जटकासुर की हार के बाद असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के दो असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए महान तप कर रहे थे। वे दोनों जो तप कर रहे थे वो छोटी उम्र में ही इतना तीव्र था कि उनके शरीर से निकलने वाली सकारात्मकता से उनका शरीर चमकने लगा। सूर्यदेव पृथ्वी पर बढ़ती हुई चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे। सूर्यदेव ने एक बार धरती पर जाकर चमकते पिंडों को देखने का निर्णय किया। प्रकृति के नियम के अनुसार खगोलीय पिंड तब तक अपना स्थान नहीं छोड़ सकते जब तक प्रकृति में परिवर्तन न हो। सूर्यदेव इतने जिज्ञासु थे कि सौरमंडल से अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए, जिससे पूरे ब्रह्मांड में क्षति हो रही थी। सूर्यदेव सब कुछ नजरअंदाज कर दोनों भाइयों के करीब चले गए। अपने ध्यान में मंत्रमुग्ध दोनों भाई इस बात से अनजान थे कि सूर्य उनके करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्यदेव उनके पास गए वैसे दोनों भाई जलकर राख हो गए। शिवजी को ये बात पता चली और वे सूर्यदेव पर क्रोधित हो गए। शिवजी उस स्थान पर गए और सूर्यदेव पर त्रिशूल फेंक दिया। सूर्यदेव गिर पड़े और संपूर्ण विश्व और सौरमंडल अंधकार में डूब गया। अंधेरा इतना भयावह था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। साथ ही इससे गुरुत्वाकर्षण की भी हानि हुई और आकाशीय पिंडों को असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को बेहोश पड़ा देख उनके पिता ऋषि कश्यप रोने लगे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मार डाला है, एक दिन वह अपने बेटे को भी मार डालेंगे। शिवजी पार्वती के पास गए और अपनी गलती सुधारने के लिए मदद की गुहार लगाई। शिवजी ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह सभी ऊर्जाओं का स्रोत है, वह ब्रह्मांड की माँ है। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहाँ सूर्यदेव स्थित थे। उन्होंने अपनी उग्रता से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार शरीर बनाया। जैसे ही पार्वती उस आग के गोले से बाहर निकली, ब्रह्मांड की शाश्वत सुंदरता की तरह खिल उठी। सुकेश और ऋषि कश्यप बहुत गुस्से में थे। शिवजी ने इस स्थिति पर समाधान पाने के लिए सुकेश और ऋषि कश्यप दोनों को देवी पार्वती के पास जाने के लिए कहा। सूर्यदेव को जीवित करने के लिए ऋषि कश्यप देवी अदिति के साथ माता पार्वती के पास गए। देवी पार्वती रसोई में गई और मटका ले आई, अपने रक्त से उसे भरने के लिए कहा। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उन दोनों के शरीर के रक्त से
घड़ा भर दिया, फिर दूसरा घड़ा अपने आप ही अमृत से भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुख में डालने के लिए कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें एक बच्चा होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अच्छा भगवान होगा। सुकेश और उसकी पत्नी देवती भी माली और सुमाली की राख लेकर देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती ने देववती को उसके गर्भ में एक अंडा दिया। बाद में अंडे से दो बच्चे पैदा हुए, वे राक्षसी थे। बाद में सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से सूर्यलोक में सूर्यासन में रहने का अनुरोध किया। कुष्मांडा में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति है, उनकी चमक सूर्य को उसकी चमक प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि वह सूर्यदेव को दिशा निर्देश देती है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम स्कंद माता के बारे में जानेंगे। आपकी राय हम तक कमेंट करके जरूर पहुंचाना। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।